नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मूवीज बाजार में। और दोस्तों, हाल ही में एक मूवी रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पर, जिसका नाम है गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल। दोस्तों, इस मूवी का प्रीमियर मीडिया और मूवी क्रिटिक्स के लिए पहले ही हो चुका है और अब ये फाइनली सभी लोगों के लिए रिलीज हो चुकी है। वो दोस्तों, इस मूवी में लीड में आपको जानवी कपूर नजर आएंगी, वही साथ में आपको नजर आएंगे पंकज त्रिपाठी, अंगद बेदी, विनीत कुमार जैसे बड़े कलाकार इसमें नजर आ रहे हैं। अब दोस्तों, मूवी कैसी है और क्या कुछ खास है इसमें और आपको चाहिए या नहीं, तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले स्टोरी की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, कहानी है गुंजन सक्सेना की जिंदगी पर और उनके स्ट्रगल्स पर, कि एक लड़की कैसे समाज से लड़ती है और अपने सपने पूरे करती है। वही दोस्तों, स्टोरी की शुरुआत होती है गुंजन सक्सेना के बचपन से और खत्म होती है एक युद्ध में। वही दोस्तों, इस मूवी का बीजीएम आपको उरी द सर्जिकल स्ट्राइक जैसा लगेगा और उसका एक्शन भी उसी तरीके से है। और दोस्तों, अगर आप इसमें एक्शन ढूंढ रहे हैं तो दोस्तों ये मूवी आपके लिए नहीं है। ये मूवी दोस्तों आपको जर्नी दिखाती है कि युद्ध के मैदानों में कैसे उड़ान भरी जाती है। दोस्तों, मूवी काफी इमोशनल है और यही कारण है कि दोस्तों आप इस मूवी को अंत तक जरूर देख लेते हैं। दोस्तों, इस मूवी में पिता और बेटी के रिश्ते को भी बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है, जो इस मूवी को सभी के लिए देखने लायक बनाता है। दोस्तों, मूवी ये भी बताती है कि इंडियन सोसाइटी किस तरीके से सोचती है लड़कियों के बारे में, जो लड़कियों को कमजोर बताने की कोशिश करते हैं और उनके हिसाब से लड़कियां कुछ भी नहीं है। ऐसे लोगों से दोस्तों गुंजन सक्सेना फाइट करते हुए दिखती हैं, जो कि इस मूवी में बताया गया है। वही दोस्तों, परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। दोस्तों, मूवी में एक डायलॉग आता है, तुमसे नहीं होगा गुंजन। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि ये जानवी कपूर के लिए है, क्योंकि दोस्तों ये मूवी का सबसे वीकेस्ट पार्ट है। जहाँ दोस्तों जानवी कपूर की एक्टिंग उतनी शानदार नहीं थी जितनी शानदार हो सकती थी, वो उनके रोल में जरा भी फिट नहीं बैठ रही है। वो कई बार कोशिश करती है कि वो अच्छा करे, लेकिन वो हर बार फेल हो जाती है। वही दोस्तों, पंकज त्रिपाठी जानवी के पिता के किरदार में हैं और उन्होंने अपना रोल बहुत ही शानदार तरीके से निभाया है। आप यूँ कह सकते हैं कि उनकी एक्टिंग के दम पर ही ये मूवी चल रही है। वही दोस्तों, अंगद बेदी गुंजन सक्सेना के भाई के किरदार में हैं और वो भी अच्छे लग रहे हैं। वही आपको इसमें विनीत कुमार भी देखने को मिल जाएंगे और उनका रोल भी काफी अच्छा लग रहा है, हालांकि वो नेगेटिव रोल में है। और अगर वो थोड़ा सा और थ्रिल और इमोशन ला पाते अपने रोल में तो और भी शानदार होता। दोस्तों, ये मूवी पानीपत मूवी की जैसी है, जहाँ पर सपोर्टिंग एक्टर्स ने बहुत ही शानदार तरीके से रोल निभाया है, लेकिन लीड एक्टर्स की एक्टिंग उनसे भी ज्यादा खराब रही है। लेकिन जानवी कपूर ने अर्जुन कपूर से अच्छी एक्टिंग की है, जो इस मूवी में दिखता भी है। वही दोस्तों, स्क्रीन प्ले की बात करें तो दोस्तों स्क्रीन प्ले बहुत ही अच्छा है और दोस्तों ये मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। इसको काफी अच्छे तरीके से लिखा गया है और इसकी एडिटिंग भी बहुत अच्छी लग रही है। मूवी ऑलमोस्ट 110 मिनट की है, जिसमें आपको एक्शन, मिलिट्री फाइट्स और कई इमोशनल सीन इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। वही दोस्तों, मैं एक बार और बताना चाहूंगा कि इसमें पंकज त्रिपाठी और जानवी कपूर के रिलेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है और दोस्तों ये मूवी इमोशन पे ही टिकी हुई है। ओवरऑल देखा जाए तो दोस्तों मूवी काफी अच्छे तरीके से लिखी गई है, लेकिन जानवी कपूर की एक्टिंग इसे थोड़ा सा फीका करती है। बाकी अगर आप पंकज त्रिपाठी के फैन हो तो प्लीज आप इस मूवी को जरूर देखिए। वही दोस्तों, रेटिंग की बात करें तो दोस्तों मैं इसे 5 में से 3.5 स्टार दूंगा, ना तो दोस्तों ये मूवी डिजर्व करती है। बाकी दोस्तों, अगर आपने मूवी देख ली हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसी एक और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।